हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करुच्छे आपण मैंने समस्ते स्वस्थ थे, व्यस्त थे, मस्त थे। सो लेट्स सी कौन लिखाई व्हाइट बोर्ड रे पिला पढ़ापी चेष्टा करूँ। एक्जाक्टली ए बिग कंग्रेचुलेशन टू समीर एंड विकास। ए बिग कंग्रेचुलेशन टू समीर एंड विकास। पे आपण मैंने जानते बा किसीटा पिला भी एग्जाम देते आमर बीसीसी कॉम्पिटेटिव रु पांच जन पिला नेवी एग्जाम देते। कैजन पिला? पांच जन पिला। काली समान रिजल्ट बाहर कालीर तारीख थी 20/3/2020। गत काली रिजल्ट बाहर एवं बहुत खुशी कथा समीर आउ विकास ए दुईज रिटर्न क्लीयर कर नेवीरे प्रथम रिटर्न हुए, तापर फिजिकल हुए, तापर आमर मेडिकल टेस्ट हुए। सो पिलाने रिटर्न क्लियर करछन्दि। सो आशा करछि समस्ते वीडियो को लाइक करिवे। लाइक माने मो पई नो पिलाने एमानकर सफलता पई भगवान करंतु एमानकर पीटी क्लियर हो एवं एमिनरे तो मेडिकल क्लियर हो जाए समस्तर। सो सेमाने तांकर ड्रीम जॉब नेवी जॉब के सेमाने पाई परिवे। सो आशा करछि पिलाने ए वीडियो को लाइक करिवे। अच्छा गोटे प्रश्न पचाऊँ जो मैंने समीर भाई आ विकास भाई को चिन्ही ओके वीडियो रे कमेंट लिखुद हाँ सर मुझे चिन्ही चली राइट। सो आज क्लास डिस्कशन करिया पिलाने बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर टू। बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर टू गत क्लास हम डिस्कशन करते नाउन मानने गोटे सेन्टेन्स चार्टा जिनस दरकार सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट आउ टेन्स। सब्जेक्ट विषय में पूरा क्लियर है जे सर सब्जेक्ट पाई माने सिंगुलर कौन प्लुराल कौन ओके आउ कौन आम नंबर विषय पढ़ले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लुराल विषय भी पढ़ले जेंडर विषय भी हम डिस्कशन करछन्दि राइट। तो आज क्लास रे हम आगो नेबा हमरा डिस्कशन आगो नेबा पिला माने ऑब्जेक्ट विषय चिंता करिया। का विषय चिंता करिया? ऑब्जेक्ट। सो नोट करा जाउ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विषय चिंता करिया। Let's start. An object is a noun or a pronoun. An object is a noun or a pronoun on which a verb performs 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 एन एक्शन। माने कह गले पिलाने भर्बर काम कौन समस्त जानते भर्बर काम हो एक्शन को परफॉर्म करिया। क्या परफॉर्म करिया? एक्शन जेकोनो छोटे कार्य करिबा राइट। सो ये जो एक्शन डा ये जो परफॉर्म कर भर्ब का उपरे ना ऑब्जेक्ट उपरे राइट। धीरे धीरे सीखी जावा ऑब्जेक्ट पिलाने दुई प्रकार कत प्रकार दुई प्रकार गोटे हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा ओडिया रे लिखिबा ऑब्जेक्ट अर्थ होची कर्म से होची कर्ता थिला ये होची कर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगोटो होची पिलावने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए दिन हम इतरे डिफरेंस कौन पिलावने What are the differences between direct object and indirect object? Okay, चलो तो देखिबा एमानक मध्य डिफरेंस कौन कौन रही। साधारणतः भर्ब र व्हाट एक्शन को सूचाए। कौन लिखा हला? व्हाट एक्शन को सूचाए। लिखे ये साधारणतः भर्ब र होम एक्शन उपरे आधारित सुनो पिलाने ये जो व्हाट कौन होम कौन माने जेहेतु मोर फोकस रोचे लो स्टैंडर्ड पिलान उपरे तो सेमाने किपरि बुझे सेमानक लांगुएज रे मु बुझाय पय चेष्टा करछि आपण माने भलो भारे बुझंतु। माने से कहचे गोटे सेन्टेन्स जदि आमे भर्ब को क्या को भर्ब को व्हाट वाले क्वेश्चन करिबा तो जहाँ आंसरटा मिले एटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एम मन रखिया जदि सेन्टेन्स आमे भर्ब को क्या को भर्ब को होम वाले क्वेश्चन करिबा होम
होम टू होम हो पारे फर होम हो पारे ओके टू होम हो पारे भर माने फर्म कहा को कहा पाई ए टाइप रो जति प्रश्न करबा का को सब्जेक्ट को तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेसिडेड बाय द वर्ब कौन लिखे एटा प्रेसिडेड बाय द वर्ब प्रेसिडेड बाय द वर्ब रो अर्थ होची वर्ब पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइबो वर्ब पर कोन आइबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट एटा हम लिखिबा प्रेसिडेड बाय द प्रीपोजिशन बाय द प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आयो प्रीपोजिशन पर कौन आसब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसो वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उपरे निर्भर करे नहीं उपरे निर्भर करे नहीं करे नहीं हम लिखा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज बा सब वाले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उपरे सब वाले बा सर्वदा लिखि परिबे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर्वदा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उपरे निर्भर करे मुटा डीओ बोले सूचित कर डीओ उपरे निर्भर करे निर्भर करे पिला माने किसी टेंशन नेबार नाही गोटे जिनस कहीदे आर ट्रिक मध्य कहबी जदि सेंटेन्स गोटे गोटे ही ऑब्जेक्ट अच्छी कौन कहला गोटे ही ऑब्जेक्ट अच्छी तो सेटा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जदि दुईट ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे डायरेक्ट हम गोटे इनडायरेक्ट सो ये टाइप अच्छी राइट गोटे ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केमें चिन्हा सेंटेंस रे ना सर आमको वर्ब देखा पड़ो वर्ब को जदि आम व्हाट वाली क्वेश्चन करवा जो आंसर मिले सी हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को जदि होम वाली क्वेश्चन करवा से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आशा कर बुझी पार्थे गोटे एग्जांपल माध्यम बुझाप चेस्टा करवा कौन से एग्जांपल ना द काओ गिव्स अज मिल्क गाई क्षीर दिए गाई आमको क्षीर दिए मुझे अज भी लिखी हाँ गाई आमको क्षीर दिए सो पिलाने गिव्स हूँ भर ये सर भर तो गिव्स को क्वेश्चन पचार कौन दिए व्हाट इज द आंसर कौन दिए तो आंसर कौन हम बोलो बोलते क्यों नहीं ना सर गाई क्षीर दिए कौन आसला क्षीर आसला सो व्हाट बोले आम क्वेश्चन कले जहाँ आसला सेंटेन्स कौन लिखा ना सर ये हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वेरी सिंपल सॉरी होम वाले क्वेश्चन पचार कौन वाले क्वेश्चन पचार होम तो होम वाले क्वेश्चन पचार आंसर आज एटा हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आशा रखुच्छे बुझी पार्थे बेसी लेंदी करा दरकार नहीं सिंपल एत बुझे सर ऑब्जेक्ट माने बुझिली सर वर्ब को व्हाट वाली क्वेश्चन करी वर्ब को होम वाली क्वेश्चन करी जहाँ आसला ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सो प्लीज नोट इट आउ किसी एग्जाम्पल लिखा पे आउ किसी एग्जाम्पल लिखे कि आम ऑब्जेक्ट चिन्हवा नंबर टू सी विल नॉट हेल्प यू नंबर थ्री He gave his book to Ram. See, Ram को तंग बही दले. Right, see, will not help you. So who you कौन है इटा गुट्टे ही अच्छे object. See, वो जी direct object. गुट्टे ही object अच्छी. Sir, भार पर ऐसे लगवाई दला. देखो भार पर ऐसे ला. Yes, sir. Very good. He gave his book. See, कौन दला? See, कौन दले? ना सर, see तंग बही दले. तो his book हो कौन? कौन दले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा को दले राम को दले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आशा कर बुझी पार्थे
पुणी रिपीट करुच्छे सेन्टेन्स गोटे अब्जेक्ट थे से डायरेक्ट अब्जेक्ट हम जदि एकाधिक अब्जेक्ट अच्छे डायरेक्ट हम इंडायरेक्ट हम किंतु एमती डायरेक्ट अब्जेक्ट पर इंडायरेक्ट अब्जेक्ट आसपे इंडायरेक्ट अब्जेक्ट पर डायरेक्ट अब्जेक्ट भी आसपे ये एक्जामपल दे दिहला इंडायरेक्ट अब्जेक्ट पर डायरेक्ट अब्जेक्ट ये डायरेक्ट अब्जेक्ट पर इंडायरेक्ट अब्जेक्ट कौन अर्डर आसपे सेमती किसी मानने गोटे शेड्यूल ना कि रूल ना जे मैंने से गोटे पर्टिकुलर अर्डर आसे नेक्स्ट नेक्स्ट पे ध्यान देवे सर आमको अब्जेक्ट बुझला सर अब्जेक्ट दु प्रकार गोटे हूँ डायरेक्ट गोटे हूँ इनडायरेक्ट किंतु कन्फ्यूजन कौन बर्तमान देखिए कम्प्लीमेंट आउ अब्जेक्ट विषय बेले बेले आमको कन्फ्यूजन लगे मैंने सेन्टेन्स तो अब्जेक्ट न थाए आम कि अब्जेक्ट बोली कहीदे तो तभी गोटे टेबुल करदे कहा को क्वेश्चन करा जीवो कौन बोली क्वेश्चन करा जीवो पूरा लेखन दे कहीं आम लो स्टैंडर्ड पर फोकस तो कौन बोली क्वेश्चन करा जीवो कौन बोली क्वेश्चन करा जीवो कहा को क्वेश्चन करा जीवो कौन बोली क्वेश्चन करा जीवो कौन आंसर मिलिवो कौन आंसर मिलिवो ये हूँ भर्ब को क्वेश्चन करा जीवो कौन बोली क्वेश्चन करा जीवो व्हाट किंबा हुम बोली क्वेश्चन करा जीवो जहाँ आसला से ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट हम ना इनडायरेक्ट हम राइट बट भर्ब को ही क्वेश्चन करा जीवो क्या भर्ब को क्वेश्चन करा जीवो कौन क्वेश्चन करा जीवो जदि व्हेन बोली पचारल कौन बोली क्वेश्चन करागला ना सर व्हेन हाउ बोली क्वेश्चन करागला व्हेयर बोली क्वेश्चन करागला कौन बोली क्वेश्चन करागला व्हेयर बोली क्वेश्चन करागला व्हाई बोली क्वेश्चन करागला तो जहाँ आंसर आस पे से कम्प्लीमेंट कौन हम कम्प्लीमेंट से ऑब्जेक्ट हम ना से ऑब्जेक्ट हम ना से हम कम्प्लीमेंट जहाँ आम ओडिया कह पूरक जहाँ ओडिया कह पूरक आशा रखुच्छे बुझिपे भर को क्वेश्चन करा जीवा व्हाट किंवा होम बोली क्वेश्चन करले जहाँ आंसर मिले से ऑब्जेक्ट जदि आम व्हेन किंवा हाउ बोली होर व्हेयर बोली व्हाई बोली यहीपर क्वेश्चन पचरा जाए से ऑब्जेक्ट हमने पे कम्प्लीमेंट दिस इज द बेसिक कन्फ्यूजन ओके जनरल एरेजेस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट सुन एग्जाम्पल ना यस My father will come on Sunday. रविवार दिन my father will come माने मोर बापा आसवे ए टाइप गोटे सेन्टेन्स निहला पे सो बर्तमान आम भार को क्वेश्चन पचार भार को कौन पचार क्वेश्चन पचार जे केत आसवे व्हेन वाले क्वेश्चन पचरला कौन क्वेश्चन पचरला व्हेन सो आंसर कौन आसला पेला अन् संडे एटा प्लान जब आम ऑब्जेक्ट कह कह ऑब्जेक्ट तो आंसर बिल्कुल रंग हो यार आंसर हूँ सर यहाँ कम्प्लीमेंट किमेंट कम्प्लीमेंट बुझे पड़ा आशा रखुच बुझा पड़ ओके सर भल्ला बुझला सर ऑब्जेक्ट आउ कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नथले भी क्वेश्चन हो पारे सेंटेन्स हो पारे किसी असुविधा ना तो यह सब कम्प्लीमेंट पूरक मानने कम्प्लीमेंट जदि न रेन्टेन्स तो सेन्टेन्स मैंने कौन हेनी कौन हेनी पूरण हेनी मैंने कम्प्लीट हेनी तेणुक कम्प्लीट हेनी कम्प्लीमेंट ए टाइप्र वार्ड सृष्टि तार ना कम्प्लीमेंट आम कौन शिखिले सर ना आम शिखिले ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टा कौन हो पार सर गोटे नाउन हो पारे गोटे प्रोनाउन हो पारे गोटे ऑब्जेक्ट क्या नाउन फ्रेज हो पारे कौन हो पारे नाउन फ्रेज कौन आम आमर आगामी आगू आगू डिस्कशन गले सब धीरे धीरे बुझा फ्रेज कौन क्लज कौन सब धीरे धीरे बुझा सब बेसिक चली बेसिक बहुत लो स्टैंडर्ड पिलान पर मुझे फोकस करे जो मैंने कहते इंग्लीश मो द्वारा हेनी बट मोर चेष्टा रगामी चार पाँच वीडियो पर लेक्चर पर से कह ये सर मैं भी कुछ कर सकता हूँ
मेरा भी इंग्लिश हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट कौन हबो? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट गोटे कॉम्प्लीमेंट वर्ड एडजेक्टिव हो पारे, कौन हो पारे एडजेक्टिव, गोटे एडवर्ब हो पारे, कौन हो पारे एडवर्ब, किंबा प्रीपोजिशनल 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 फ्रेज हो पारे। बट ये गोटे नाउन हम ये गोटे प्रोनाउन हम एडजेक्टिव एडवर्ब हो पारे। सपोज मु कहबी राम कम्स स्लोली स्लोली, राम धीरे धीरे आसुचे, किपर आसुचे, आम कौन क्वेश्चन कले भारत को सर हाउ बोली ही क्वेश्चन करवा हाउ, जिते हाउ बोली क्वेश्चन कराला आंसर आसला स्लोली धीरे धीरे आसुचे, दैट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब गोटे प्लान यहाँ हो गए कम्प्लीमेंट सेंटेंस, गोटे सेंटेंस कौन गोटे कम्प्लीमेंट गोटे। ओके सर बुझला, सो नोट इट प्लीज नोट इट। नेक्स्ट आगो जीवा आमर दुटा जिनस सरला पे कौन कौन सरला ना सर सब्जेक्ट सरला आ ऑब्जेक्ट सरला। आगो को हम डिस्कशन करवा भर भर अच्छा ऑब्जेक्ट पढ़ा द्वारा आम आगो को माने आम इंग्लीश रे कौन आम मानने गोटे बुझी पारा आगो को आर व्यवहार कौन ऑब्जेक्ट रो व्यवहार कोड़ कोड़ करवा पाला देख लेख आर व्यवहार हम पैसिव वॉइस जो आम पैसिव वॉइस शिखा आगे ऑब्जेक्ट व्यवहार जानते दरकार। अगर आपको ऑब्जेक्ट का बारे में नहीं पता, अगर आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो मेरे दोस्त फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब आगु अच्छे नॉन फाइनाइट वर्ब ए दुटा उपर आम कौन ना कौन कॉन्सेप्ट आम क्लियर करना। सो ऑब्जेक्ट बुझला, ऑब्जेक्ट दि प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जदि आम भूल भी कहीदल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जदि बेले बेले भूल हो जाए ये भी मानते चिंता करवा दरकार नहीं, मैंने मोर उदेश तो रहा आपण मान भी उदेश रे मैंने धीरे 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 आम गोटे गोटे जिनस को शिखि शिखि जावा कि खाली जाना दरकार यहाँ गोटे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जाना दरकार। डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट केवे केवे जब कहीदल मैंने से गोटे क्षमणीय, जब ऑब्जेक्ट ही कही पार्लानी अक्षमणीय भूल अक्षमणीय भूल। आशा करते समस्त बुझीपा ए ऑब्जेक्ट व्यवहार पुणी मुझे कौटे फाइनाइट भर नॉन फाइनाइट भर शिखला समय आ पैसिव वॉइस वेरी गुड यस सर सर आमको सर ऑब्जेक्ट विषय बुझला सर वेरी गुड जदि बुझला पे मैंने सो कम टू द नेक्स्ट स्टेप एंड हेडिंग ढाला भर उपर का भर उपर हेडिंग ढाला भर कौन सर इट इज एन एक्शन वर्ड इट इज एन एक्शन वर्ड सत कथा भार हूँ गोटे एक्शन वर्ड बर्तमान आपण मैंने कौन कर शुणुंत मुला हसिले मुंडा उपरू टेकिले ए सबुटाक भार हसवा टेकवा शुणा तापर कथा कह ओके पाठ पढ़ा ये सब तो भार एक्शन गोटे कार्य को जोड़ा बुझुच्छे से हूँ भार। सो पे क्लासीफिकेसन अफ भार बोले हेडिंग देवा क्लासीफिकेसन अफ भार क्लासिफिकेशन ऑफ भर दे भार व्यक्त करिए भर को रोज मेन भर कौन ना सर मेन भर आपको किए प्रिंसिपल भर बोले कौन कि भर प्रिंसिपल भर किए क्या कौन लेजिकल भर बोली कौन 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 ना सर लेजिकल भर लेजिकल भर किए क्या कौन फुल भर कौन 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 लिखा ये फुल भर आपण मैंने जहाँ कहतु कहतु चलो आम मेन भर उपर ही डिस्कशन करिया। मेन भर आ गए हूँ एक्जुलरी भर कि भर एक्जुलरी भर एक्जुलरी भर और आम हेल्पिंग भर बोली जानते हेल्पिंग भर ओडिया भी लिखा भर अर्थ हो क्रिया
मुख्य क्रिया एपटे पे लिखा साहाज्यकारी क्रिया साहाज्यकारी क्रिया मेन भारू को पुणी दुहार व्यक्त करवा मेन भारू को पुणी दुहार व्यक्त करवा मेन भारू को पुणी दुहार व्यक्त करवा फाइनाइट भर्ब नेक्स्ट नॉन फाइनाइट भर्ब ओडिया हेले कहिबा ओडिया रे भी लिखिबा नॉन फाइनाइट भर्ब समापिका क्रिया असमापिका क्रिया समापिका क्रिया असमापिका क्रिया फाइनाइट भर्बटा दुई प्रकार पिलाने एटा आमर ऑब्जेक्टिव व्यवहार थबो सेटा फाइनाइट नॉन फाइनाइट कर देथिली फाइनाइट भर्ब ट्रांजिटिव भर्ब इन ट्रांजिटिव भर्ब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया लेट मी सी ट्रांजिटिव भर्ब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया एटे पे ऑब्जेक्ट व्यवहित हम जदि आम ऑब्जेक्ट जानपरानी तो ट्रांजिटिव भर्ब इनट्रांजिटिव भर्ब आमको जानवर टी असुविधा हम बोध हुए से समय में जो यूज पढ़ी थी कौन जी आम ऑब्जेक्ट कोड व्यवहित हे फाइनाइट नॉन फाइनाइट बोधे कहला मतलब लगुच किंतु ऑब्जेक्ट को फाइनाइट नॉन फाइनाइट किसी लिंक ना ट्रांजिटिव भर्ब इनट्रांजिटिव भर्ब आमको ऑब्जेक्ट माध्यम से जानपर कर्म थे सकर्मक कर्म ना अकर्मक किसी किसी आम जानते ओके धीरे 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 हमको आगे बढ़ना है वेरी गुड नॉन फाइनाइट भर्ब प्लान लिखा नॉन फाइनाइट भर्ब कौन कौन हम ना यहाँ गोटे जीरोन हम पे नॉन फाइनाइट भर्ब गोटे कौन हम जीरोन राइट आ गोटे इनफिनिटिव दु प्रकार गोटे हूँ टू प्लस इनफिनिटिव आ गोटे हूँ बेर इनफिनिटिव INFINITIVE बेर इनफिनिटिव आ गोटे प्लान अच्छे पार्टिसिपल प्लान दी प्रकार गोटे हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गोटे पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गोटे हूँ पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गोटे पास्ट पार्टिसिपल इनफिनिटिव दी प्रकार गोटे हूँ टू प्लस इनफिनिटिव आ गोटे बेर इनफिनिटिव आगे बढ़ते हैं आगे फिर बढ़ेंगे हम एक्चुअली भर्ब दुई प्रकार गोटे प्राइमरी एक्चुअली भर्ब ए भी लिखिदेली आपने चाहिए हेल्पिंग भर्ब भी पढ़ी पारे कि असुविधा नहीं नो प्रॉब्लम जेपरी आपको कंफर्टेबल लगुच्छे से पढ़ु प्राइमरी एक्चुअली भर्ब आ गोटे लिखिए मॉडल एक्चुअली भर्ब ओके सर प्राइमरी एक्चुअली भर्ब आ मॉडल एक्चुअली भर्ब प्राइमरी एक्चुअली भर्ब मध्य ग्रुप करने चेस्ट करिया गोटे हूँ बी ग्रुप आ गोटे डू ग्रुप आ गोटे प्लान हैव ग्रुप के ग्रुप ना सर हैव ग्रुप बी बी रे कौन भर्ब आसो इज एम आर वाज बीन बिंग टू बी
इज एम आर वाज बिन बिंग एसबू डोर आमर अच्छे डू डिडी आउ डज यूज आमर डू ग्रुप आसवे हे ग्रुप आसे हैव हैज हैड बी ग्रुप इज एम आर वाज बिन बिंग डू ग्रुप आसो डू डिड डज डी ओ एस डज हैव ग्रुप आसो हैव हैज हैड यहाँ मोडल ऑक्सिलरी वर्ब मोडल ऑक्सिलरी वर्ब या टिके ऊपर को नहीं जाए पिला ओके मोडल ऑक्सिलरी वर्ब मोडल ऑक्सिलरी को परिव्यक्त कर गोटे हूँ बेसिक मॉडल आ गोटे हूँ सब मॉडल बेसिक मॉडल आ सब मॉडल बेसिक मॉडल आ सब मॉडल बेसिक मॉडल कौन कौन लिखा साल सुड विल उड साल सुड विल उड कैन कुड मे माइट साल सुड विल उड मे माइट कैन कुड यूज टू ऑट टू यूज टू ऑट टू मस्ट नीड डेर मस्ट नीड डेर एगुड़ाक हूँ पिला एक्चुअली भर साल सुड विल यू डू कैन कुड मे माइट साल सुड विल यू डू कैन कुड मे माइट यूज टू ऑट टू मस्ट नीड डेर मस्ट नीड डेर ये रहा पिला भर प्लीज नोट इट आउ थे पे रिपीट कर दूँ भल भाव शुणु एवं बुझाप चेष्टा करूँ भर को भर को दुई भाव विभक्त करागला गोटे हूँ मेन भर्ब आ गोटे हूँ एक्जुअलरी भर्ब मेन भर्बा दी प्रकार समापिका क्रिया असमापिका क्रिया फाइनाइट भर्ब आउ नॉन फाइनाइट भर्ब फाइनाइट भर्ब पुणी दुई प्रकार ट्रांजिटिव भर्ब इन ट्रांजिटिव भर्ब नॉन फाइनाइट भर्ब रे आम कौन शिखा नॉन फाइनाइट भर्ब सार जीरो फॉर्म भी हो पाए नॉन फाइनाइट भर्ब आउ गोटे फॉर्म होची इनफिनिटिव फॉर्म आउ गोटे होची पार्टिसिपल फॉर्म पार्टिसिपल दी प्रकार पिला माने गोटे होची प्रेजेंट पार्टिसिपल आउ गोटे पास्ट पार्टिसिपल इनफिनिट मध्य दी प्रकार टू प्लस इनफिनिटिव बेर इनफिनिटिव आउ जीरो फॉर्म मध्य कौन धीरे धीरे आम बुझाप चेष्टा करवा एक्जुअलरी भर्ब को मध्य दुई भाव विभक्त करागला गोटे होची प्राइमरी एक्जुअलरी भर्ब आउ गोटे होची मोडल एक्जुअलरी भर्ब प्राइमरी एक्जुअलरी भर्ब रे तीनटा गोटे भर्ब फैमिली को नहीं आला भर्ब ग्रुप को नहीं आला तीन टा ग्रुप गोटे हूँ सर बी ग्रुप डू ग्रुप आउ हैव ग्रुप बी ग्रुप रे इज एम आर वाज बीन बिंग एसब भर्ब गुड़ा आसो डू ग्रुप रे डू डिड डज एसब एक्जुअलरी भर्ब हैव्रे हैव हैज हैड तापर आसला मॉडल एक्जुअलरी भर्ब मॉडल एक्जुअलरी भर्ब को आपण मैंने शुनी थे आमर मैट्रिक लेवल भी पढ़ी थे गोटे गीत भी अच्छी गोटे ढेग ढमाली भाया सालस डू कैन कडो विल डू मे माइट कहवाप चेस्टा करूँ आपन मैंने सालस डू विल डू कैन कडो मे माइट यूज टू ऑट टू ऑट टू मस्ट नीड डेर ओके मजा आ गया एगुड़ाकर धीरे धीरे व्यवहार आम शिखा एवं एगुड़ाकर व्यवहार जानगला तो आपण मैंने चिंता करूँ कौन फिलिंग हम इंग्लीश टिके इंग्लीश रो जो आमर जो भय थिला टिके टिके दूर हो जाऊँ ना जाऊनि सो पिला एगुड़ाक मत धीरे धीरे आम शिखा तापर आमर कार्यक्रम को आगू नवा भेरी गुड बर्तमान मुझे कौन करी एगुड़ा तो गोटे क्लास बुझा संभव नुह
टुडे आई थिंक आई विल प्रोवाइड यू आई विल गिव यू ए लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म हमको जानिया दरकार। वर्ब फॉर्म जानला परे मु किसी लिस्ट करी वर्ब फॉर्म। सो भाई वर्ब फॉर्म जानला परे तबरे उडागर व्यवहार हम जानिबा कोडा नॉन फाइनेंट वर्ब कोडा फाइनेंट वर्ब कोडा ट्रांजिटिव कोडा इंट्रांजिटिव एसो हम धीरे धीरे सिखिबा। सो आई होप आपन समस्त नोट कर देथिबे या को मु लिभेल वर्ब फॉर्म बर्तन लिखिबा। ऑब्जेक्ट क्लास सिखिले सर आज आम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिखला पर वर्ब क्लासिफिकेशन देखले बर्तमान किसी लिस्टेड वर्ब देवी मुझे इंपोर्टेंट जोटा कि आम बारंबार सुनी समस्त आसूची समस्त आसूची पिलाने के लो स्टैंडर्ड पिलाने से वर्ब गुड़ा जानते व्यवहार कर लिखा वर्ब फॉर्म कौन पिलाने जदि वीडियोटा भल लगुच प्लीज शेयर शेयर करूँ यह and those viewers who are new please subscribe our channel verb form verb form like a serial number आपण मैंने खातार गोटे लैंडस्केप लिखते लैंडस्केप मैंने यहाँ हूँ पोर्ट्रेट आपन लिखुच खातार एमिन न लिखिकी एपरी लिखुद एपरी ये हूँ लैंडस्केप यहाँ पोर्ट्रेट कर लिखुद खातार कौन कर लिखे पोर्ट्रेट बोले टी आम भलार लिखिपर सीरीयल नंबर भी लिखुद प्रेजेन्ट बामे भी वन लिखिपर प्रेजेन्ट फर्म भी वन फर्म ओडिया मीनिंग ओडिया मीनिंग पास्ट फॉर्म बा भी टू फॉर्म बोले आम जानते भी टू फॉर्म भी थ्री फॉर्म भी थ्री फॉर्म तब लिखा आई एन जी फर्म कि फर्म आई एन जी फर्म तापर एस किंबा एस फर्म एस और एस फर्म पांचटा भर फर्म लिखा फाइव भर फर्म्स हेडिंग दे पारिबा फाइव भर फर्म्स आउटी लिखिपर आम ग्रुप वन आपको कौन हेडिंग दे पाने ग्रुप वन तीन टा ग्रुप कहे ग्रुप वन सीरियल नंबर प्रेजेंट फॉर्म भी वन फॉर्म ओडिया मीनिंग पास्ट फॉर्म भी टू फॉर्म भी थ्री फॉर्म आई एन जी फॉर्म एस और एस फॉर्म एस और एस फॉर्म सीरियल नंबर वन लिखा एराइज ए आर आई एस एराइज उठवा एरोज ए आर ओ एस एरोजन एराइज एरोज एराइजन एराइजिंग एर आई एस एन एराइजन एराइजिंग मेन एसब आई एन जी फर्म हो पिला एस सी एस भ फर्म हो सब गुड़ाक क्या लिंक अच्छे सर भी वन की लिंक अच्छी तो भी वन को ही देखा एराइज एरोज एराइजन ए आर आई एस आई एन जी एराइजिंग एटा कटिकी आई एन जी है एराइजेस ए आर आई एस एस एराइजेस नंबर टू एराइज पर समस्त लिखे बी लिखा बी बी रथ हूँ हेबा हेबा बा होना हिंदी कौन होना होना हेबा वाज किंबा वेर बिन बी वाज बिन बिंग हम ये बी आई एन जी बी आई एन जी बिंग लिखा इज किंबा वाज आर एस एस कौन इज किंबा वाज नंबर थ्री हूँ बिकम ये हेबा बनना बनना राइट बिकम बिकेम
become, becoming, becomes, सुनंत पिलाने किछ पिलोग आसुथबो सो प्लीज विरक्त होवंतु नहीं एथेपई कारण आमर लक्ष्य होची बेसिक रु सिकिबा बेसिक रु सिकि जाउचंदे क्लास रे नाही होची बेसिक इंग्लिश सो बिगिन BEGIN एडे BEGUN हबो AUI ओके बिगिन माने कोन सर आरंभ करिबा beginning BEGINNING ଏଠି ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ NNING ଏଇଟା begins 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 next ଏ ଫାଇଭ come coming COMES comes ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା କମ୍ ମାନେ ସାର୍ ଆସିବା ସିକ୍ସ ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଇଟନ୍ ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟି ଏନ୍ ଇଟନ୍ ଏ ଟି ଏନ୍ ଇଟିଂ ରାଇଟ୍ ଏ ଟି ଏସ୍ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ ମାନେ ଖାଇବା ଛଅଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଏ ଭି ଥ୍ରୀ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ରାଇଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ବଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁରେ ଦେଖିବା ଭର୍ବ ଟୁ ଆଉ ଭର୍ବ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁରେ ଆମେ ସେ ଭର୍ବଗୁଡ଼ାକୁ ନେବା ଯାହାର ଭର୍ବ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭର୍ବ ଥ୍ରୀ ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ୱାନ୍ରେ ଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଇଏନ୍ କିମ୍ବା ଟି ଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଭି ଥ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଭି ଟୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଭି ଥ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଭି ୱାନ୍ରେ ଇଡ଼ି ଭର୍ବ ୱାନ୍ରେ ଇଏନ୍ ଲଗାଇଦେବା କିମ୍ବା ଭି ୱାନ୍ ପରେ ଟି ଯୋଗ କରିକି ଟି ଟି ଫର୍ ଟେବୁଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମମାନେ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନା ଟି ଯୋଗ କରିକି ଭି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଭି ଥ୍ରୀ ରାଇଟ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁରେ ନେବା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କ'ଣ ନିଆହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଲେଖିବା ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଏ ଡି ଭି ଆଇ ଏସ୍ ସି ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜିଂ ଏ ଡି ଭି ଆଇ ଏସ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଆଡ଼ଭାଇଜିଂ ଆଡ଼ଭାଇସେସ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଲେଖିବା ନମ୍ବର ଟୁ ଇଙ୍କ ସରିଗଲା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ APPOINT APPOINTED APPOINTING 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 APPOINTS ଭେରି ଗୁଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ'ଣ ଦେବା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ବ୍ରିଙ୍ଗ BRING ବଟ୍
ବ୍ରିଙ୍ଗ ରଥ ଲେଖିବା କିଣିବା ଲେଖିପାରିବା, ବାଏ ମାନେ କିଣିବା, ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଣିବା ଲେଖିବା ନାହିଁ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଣିବା, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଲେଖିବା, ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ BRINGS BRINGS ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ BRINGS BROUGH ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି BOUGH ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଣିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କିଣିବା, BOUGH ସେଇଟା ଦେଖିକି ବାଏ ବାଉଟ ବାଉଟ ବାଏର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ BOUGH ଲେଖିଦେବା ବାଏ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖିଦେବା ବାଏ ମାନେ କିଣିବା, ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପିଲାମାନେ, BRING ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଣିବା, ବାଏ ମାନେ କିଣିବା, ଏଠି ଆର୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆର୍ ନାହିଁ, BOUGH ବାଉଟ ଆର୍ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ଆର୍ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଉଟ BUYING ବାଇନ୍ BUYS ବାଏସ୍ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଭର୍ବ ନେବା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଭର୍ବ ନେବା, କ୍ୟା ହମ୍ ଡାଇ ଲେଖି ସକ୍ତେ କ୍ୟା ସାର୍ ବିଲକୁଲ ଲେଖି ସକ୍ତେ, ଡାଇ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା, ଡାଇଟ DIED ଡାଇଟ ଡାଇଟ DIED ଡାଇଟ DIE DIEING 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 ମୁଁ କହିବା ପୁରୀ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଦେଖିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୁଲ କହିବି, DIES ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଡାଇ ଡାଇଡ ଡାଇଟ DIEING ଭୁଲ ହଇ, କ'ଣ ଲେଖା ହେବ DYING ଡାଇଙ୍ଗ DYING ଡାଇଙ୍ଗ ରାଇଟ DYING ଡାଇଙ୍ଗ ଡାଏ ଡାଇଟ ଡାଇଟ ଏସବୁ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ ଟୁରେ ଲେଖିବା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଲେଖିବା ବା ଗୋଟେ ଟିଚର ପଢ଼େଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଶିଖି ଶିଖେଇକିରି ସବୁ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ହେବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେଲି ଯେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ ଟୁ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ବ ଥ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା, ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖେଇଦେଲି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବା ବେସିକ୍ ବହି ପଢ଼ିକି ଆହୁରି ଭର୍ବ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ, ନିଜର ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବଢ଼େଇ ଯିବେ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଓକେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀ ବାଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲିଭେଇ ଦେଲି, କମ୍ ସମୟ ଦେଲି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିନଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ନୋଟ୍ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ ନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଇଂଲିଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ଭେରି ଇଜି। ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀ ନେବା, ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀରେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭର୍ବ ମୁଁ ରଖିଛି ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଅଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ରଥ ଏଇଟା ତିନିଟା ହିଁ ଫର୍ମ, ଭି ୱାନ୍ ଭି ଟୁ ଭି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଥ୍ରୀ, ଏମିତି ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭର୍ବ, ଏପରି କିଛି ଭର୍ବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ସମାନ, ଯେମିତି ଏବେ IPL ଚାଲିବ ପିଲାମାନେ ଦୁବାଇ ଗଲା ସହିତ ବୋଧେ IPL ବନ୍ଦ ହେବାର ସମାନ ରହୁଛି କି ଗୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାଇପାରେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇବା, ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇବା, ବ୍ୟାଟ୍ 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 ବ୍ୟାଟିଂ BETTING ବ୍ୟାଟିଂ BETTING ବ୍ୟାଟିଂ BTS ବ୍ୟାଟ୍ସ ଡବଲ୍ ଟି ଲାଗିବ, ଡବଲ୍ ଟି ଡବଲ୍ ଟି ଲାଗିବ ବ୍ୟାଟିଂରେ BTS ବ୍ୟାଟ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଟ୍ 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 କଟିଂ CUTTING କଟିଂ CUTS କଟ୍ସ, ଏଠି ଡବଲ୍ ଟି ଲାଗିବ CUTTING କଟିଂ ଡବଲ୍ ଟି ଲାଗିବ, କଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲ କାଟିବା, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଲେଖିବା ରିଡ଼ 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 ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରିଡ଼ ମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରିଡ଼ 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 ରିଡ଼ିଂ ରିଡ଼ସ, ନେକ୍ସଟ
नेक्स्ट आम लिखा हट लिखे हट आघात पहुँचवा हट 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 हेचोटी नहीं हेच यू आर टी हट हट हटिंग हेच यू आर टी टी आई एन जी हेच यू आर टी टी आई एन जी जो मैंने लिखे से भूल हो डबल टी रही हेच यू आर टी एस कौन रच यू आर टी एस देखिकी कौटे डबल टी कौटे सिंगल टी डबल टी लिखले भूल हेच यू आर टी एस क्या लिखे हेच यू आर टी आई एन जी हेच यू आर टी आई एन जी हटिंग और अच्छे लेट 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 एट डबल टी आइए लेटिंग लेट्स राइट हट मैंने कौन आघात करवा आघात देवा का मन को आघात देवा ये टाइप रो मीनिंग आसो लेट रथ कौन ना लेट रथ हूँ करवाक देवा जोटा कि आम हिंदी कही पार करने देना सो पाने ये टाइप भर फर्म तीन टा कैटगोरी भर आम देखले जार तीन टा जाक भि ओन नट इज इक्वल टू भि टू नट इज इक्वल टू भि थ्री तीन टा जाक फर्म अलग अलग किए का मिसुनी कैटगोरी वन कले भर टू भर थ्री किसी फर्म मिसुची कैटगोरी टू कले एवं से गुड़ाक केमी आम या करते ना सर भर्व वन इडी जोग करें भर्व टू करदे थे भर्व वन आम इन जोग करा करदे थे भर्व वन टी जोग कर दिस इज द कैटेगोरी नंबर थ्री और ग्रुप नंबर थ्री हियर ऑल द थ्री फर्म्स भर फर्म्स आर इक्वल भर्व वन भर्व टू भर्व थ्री सामान एगुड़ाक आम अलग कैटेगोरी गले बर्तमान आपण प्रचेषा रहा जो नोटबुक गोटे गोटे मैंने पेज छाड़ी गोटे लिस्ट करके ग्रुप वन दि पेज छाड़े या दि पेज छाड़ी लिस्ट करके जितकी पारे से चेषा करी भर उपर ज्ञान हाँ बही पढ़ी ऑनलाइन वीडियो हो कौटे भर लिस्ट करके चलते मुझे आशा करते समस्त 100 भर्स एटलिस्ट 150 करदे चलते बहुत प्यार है 150 प्लस भर फर्म लिस्ट करी मन रखी तार 5000 भर फर्म जानवे कौटे डबल टी लगुच कौटे एस लगुच कौटे ईएस लगुच ध्यान देवे सो पे आज इतनी पुणी आम नेक्स्ट क्लास में मिसा ओके दिस इज द बेसिक दिस वाज द बेसिक लेक्चर नंबर टू पुणी लेक्चर नंबर थ्री आम समस्त मिसा ओके आशा कर भिडियोटा पसंद लगुव जब पसंद लगुच बारंबार शुणु जब बुझा पड़ी बारंबार शुणु पसंद न पसंद कथ नहीं बुझा पड़ा दरकार मोर चेस्ट रोचे केवल लो स्टैंडर्ड प्लान को बुझे बुझे जी ओके गुड बाय हाव ए नाइस डे